हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं बताने वाली हूँ आपको कि मेथी की हेल्प से आप किस तरीके से आपके जो हेयर है उसकी ग्रोथ को बढ़ा सकते हो, और आपके जो बाल बहुत ज़्यादा दो मुँहे वाले हो रहे हैं या फिर उलझते हैं बहुत ज़्यादा, तो उसका आज मैं सोल्यूशन लेके आई हूँ आप लोगों के लिए। और इसको अगर आप यूज़ कर लोगे ना, तो आप सारे प्रोडक्ट यूज़ करने लग जाओगे जो मार्केट के होते हैं उनको। तो आपको क्या करना है कि जो मैंने मेथी है, ये मेथी मैंने रात को भिगो के रख दिया था, ये एक बाउल मेथी है पूरा, और मैंने इसके अंदर क्लीन वाटर ऐड कर दिया था थोड़ा सा। तो आपको क्या करना है कि जैसे कि ये मेथी मैंने रात को भिगो के रख दी थी, और आप सभी जानते हो कि मेथी अपने बालों के लिए कितनी अच्छी वो रहती है, काफ़ी ग्रोथ करता है और अपने बालों को बहुत मजबूत करता है, जैसे कि आंवला होता है या फिर और जो भी चीज़ यूज़ कर सकते हैं अपन, सीका काई वगैरह, उसके गुना मतलब उसी के जैसे ये काम करता है। तो इसको आपको किस तरीके से यूज़ करना है वो मैं आपको बताऊंगी आज। बट उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि जब जो मेथी अपन को लेनी है वो रात को आपको भिगो के रख देना है, पानी के अंदर डिप करके रख देना है ताकि वो अच्छे से फूल जाए पूरी तरीके से। और आपको इतना ही पानी डालना है उसमें जो आप फिर उसको पीसने के टाइम पे यूज़ कर सको, ये पानी आपको फेंकना नहीं है बिल्कुल भी। तो इससे यूज़ करने से क्या होगा कि जो भी आपके दो मुँहे वाले बाल हैं या फिर आपके प्रॉब्लम हो रही है बहुत सारी बालों की, जो झड़ने की या फिर बालों को ड्राई होने की, जो सारी प्रॉब्लम्स को ये दूर करेगा। तो इसको आज किस तरीके से आपको यूज़ करना है वो मैं आपको बताऊंगी। तो इसको तो मैंने लिए यहाँ पे मेथी दाना, और उसको रात भर मैंने भिगो के रखा है, रात को मैंने इसको भिगो के रख दिया था। तो अब ये पूरी तरीके से भीग चुका है, अब इसका बनाना है पेस्ट। तो सबसे पहले इसको पीस लेंगे हम मिक्सी में। देख सकते हैं कि जब अपन पीसना स्टार्ट किया था, अपन ने जब कितना सा था, और अभी पीसते पीसते ये इतना फूल चुका है कि ये इस बाउल में महाने मतलब इसमें से बाहर निकलने वाला है। तो ये बहुत ज्यादा फूलता है, आप जिस क्वांटिटी में इसको कमी यूज कीजिएगा। मैंने इसको दो लोगों के लिए बनाया है तो इसलिए ये इतना ज्यादा हो चुका है, पर आप इसको कमी भिगोना। तो ये हो चुका है एक अच्छा सा पेस्ट, और इसको काफी बारीक पीसना है, जितना बारीक आप पीस सकते हो उतना। तो ये पीस के कलिया हमने बिल्कुल तैयार, आप देख सकते हो, ये इतना चिकना होता है कि मैं आपको क्या बताऊं, जैसे कि घी या ऑयल होता है उसकी तरह बहुत ज्यादा चिकनी होती है मेथी। और ये काफी फूलती है, देख सकते हो अभी तो फूली जा रही है, और मैंने कितना सा लिया था और ये कितनी हो चुकी है, और ये बॉल काफी बड़ा है। और फिर नेक्स्ट मैं इसमें यूज करूंगी यहाँ पे कोकोनट ऑयल, तो उसमें 2 या 3 स्पून कोकोनट ऑयल यूज कर लीजिए आप। कोई सा भी कोकोनट ऑयल यूज कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पर 2 स्पून कोकोनट ऑयल यूज कर लिया, इसमें 2.5 स्पून। अब इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। तो यहाँ पे ये अच्छे से मिक्स हो चुका है, इसको लगाना स्टार्ट करते हैं आप। तो पेस्ट अपना बिल्कुल तैयार है, और अब लगाना स्टार्ट करेंगे। आपको जिस दिन हेयर वॉश करना है उसी दिन आपको ये अप्लाई करना है, कम से कम आधे घंटे के लिए छोड़ देना। और इसको लगाने के बाद आपके बालों का खुद रिजल्ट आप खुद अपने बालों पर ट्राई करके फिर देखना कितना अच्छा रिजल्ट मिलता है आपको। तो इसको लगाना स्टार्ट करते हैं। आपके बालों को दो पार्ट में डिवाइड कर लीजिए इस तरीके से, और इसको आपको ऐसे थोड़ी थोड़ी लेके, आपके छोटे छोटे बाल लेके आपको इसको अप्लाई करना है अपने हेयर पे। और ये मैं आपको एक बात और बताना चाहती हूँ कि ये काफ़ी ज़्यादा वो होता है क्रीमी एकदम बिल्कुल। और आपको ड्रेस चेंज कर लेना है आपकी अगर आप लगा रहे हो तो। इस तरीके से आपको लगा लेना है। और आपको फुल हेयर पे अप्लाई करना है बिल्कुल। Oh, 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 oh
हेयर वॉश करने के बाद आप खुद अपने आप रिजल्ट देखोगे कि कितना अच्छा रिजल्ट आया है आपके हेयर पे। तो छोड़ देना इसको इसी तरीके से, मिलती हूँ आपको आधे घंटे बाद में हेयर वॉश। और अगर आपको थोड़ा और अच्छा रिजल्ट चाहिए तो आप इसको लगाने के बाद जब बाथरूम में जब हेयर वॉश करोगे तो उस टाइम पे आप थोड़ा सा कर्ड भी यूज़ कर सकते हो, आपके बालों में दही यूज़ कर सकते हो, थोड़ा दही से क्या है आपके बाल स्मूथ एंड सिल्की हो जाएंगे। तो मिलती हूँ आपको हेयर वॉश करने के बाद। और यहाँ पे मैं नहा के आ चुकी हूँ, मैंने अपना हेयर वॉश कर लिया। मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी थोड़ा सा ऑयल अपने सीरम के तौर पे हल्का सा। तो इसको यूज़ करने से क्या होगा कि आपके जो बाल है वो ज़्यादा नहीं गिरेंगे और उलझेंगे नहीं, ज़्यादा सुलझाने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी आपको धोने के बाद। तो अगर आपको मेरे वीडियो अच्छा लगा है तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। अगर अच्छा लगा है तो लाइक एंड कमेंट्स कर दीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।